इनाम में, लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती थी कि मंत्रिमंडल में आने के बाद वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि एक केंद्रीय मंत्री के सर केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जो आपत्तिजनक बातें एक पब्लिक मीटिंग में कही हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, वो बहुत ही आपत्तिजनक। एक तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में इसलिए लाया गया है और सत्ता में वो इसलिए आई है कि उन्हें भारत का संविधान तब्दील करना। दूसरा आपत्तिजनक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने भाषण में, कि वो लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, सेकुलर समझते हैं या सेकुलरिज्म पे विश्वास है, उनकी पेरेंटेज का ही पता नहीं। अब ये हमारा पेरेंटेज लीनिएज, मतलब उनका बाप माँ कौन था, तो सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्तंभ है। और जो मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान पे एमपी के रूप में शपथ ले और बाद में राष्ट्रपति के हाथों वहां मंत्रिमंडल में शामिल होने का कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे शपथ ले और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं हो, तो मूल सवाल है जो हमने मैंने भी सदन में उठाया है कि क्या एक मेंबर पार्लियामेंट, क्या एक मंत्री सरकार में रहते हुए ये कह सकता है कि उसे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। तो जिस मंत्री को भारत के संविधान पर ही विश्वास नहीं है और संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं प्रीएम्बल में विशेष रूप से, उन्हीं पर विश्वास नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में रह सकता है कि नहीं? ये बुनियादी क्वेश्चन। सरकार ने कहा कि सरकार इसका सहमत नहीं, लेकिन सरकार की सहमति और असहमति का सवाल नहीं। सरकार ने तो ये कहा नहीं, ये एक व्यक्ति ने कहा, एक मंत्री ने कहा, उस मंत्री को सदन में आना चाहिए। वो सदन में था, भागे, उसको दोनों सदनों में देश से, जनता से, पार्लियामेंट से क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। एक बड़ी गलत परंपरा इस देश में बनी है कि रूलिंग पार्टीज के एमपीज जो भी चाहें, जब चाहें, ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, इलेक्शन के बगैर, इलेक्शन के बाहर, इलेक्शन के अलावा, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं। कई ऐसे मंत्री हैं जो स्टेटमेंट देते रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारा शुरू से ही मानना है कि ये सबका साथ, सबका हाथ खाली दिखावा है, ये खाली बोलने के लिए है, लेकिन काम इसके विपरीत हो रहा है, इसके उल्ट हो रहा है।